हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, दंडवत प्रणाम है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा नमन है, हमारा वंदन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, हमारा वंदन है। वृंदावन धाम में रहने वाले सभी भक्तों, महात्माओं को हमारे दंडवत प्रणाम है, और यहाँ बैठे सभी भगवत भक्तों को, प्रेमियों को, भगवान के बच्चों को, सबको हमारा अभिनंदन और बहुत सारा गुरु का स्नेह व आशीर्वाद। जीवन के 3 दिन होते हैं, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का और 1 दिन रहने का। हमारा भी शिविर 3 दिन का होता है, 1 दिन आने का, 1 दिन रहने का और 1 दिन जाने का। तो आइए आज हम आखिरी दिन के अपनी प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी जो है वो ऑलराउंडर है, मल्टी डायमेंशनल है। सब कुछ हम सोचते हैं कि उसका हम किसी व्यक्ति का एक ही रूप देखते हैं, पर द्रौपदी जो है वो ऑलराउंडर है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। तो आइए हम देखते हैं द्रौपदी की पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी है उसकी। तो एक दिन सत्यभामा के साथ वार्तालाप। पांडवों के वनवास के समय एक बार श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ उनसे मिलने आए। श्री कृष्ण और पांडव एक आश्रम में बैठे बातचीत कर रहे थे। दूसरे स्थान पर सत्यभामा और द्रौपदी बातचीत करने लगे। सत्यभामा ने पूछा, सखी, श्याम सुंदरी हमारे पति हैं और उनको हम वश नहीं कर पाते, किंतु तुमने तो 5 पतियों को वश करा हुआ है। वे तो तुम पर क्रोध भी नहीं करते, तुम्हारा मुंह ही ताका करते हैं, उनमें कभी ईर्षा भाव भी नहीं देखा जाता, इसका रहस्य क्या है? क्या तुम कोई टोना टोटका जानती हो? द्रौपदी ने कहा, देखो बहन, कोई भी साध्वी पत्नी टोने टोटके का सहारा नहीं लेती। पति को पता लग जाए कि पत्नी उसे वश में करना चाहती है तो उससे दूर दूर भागता है। जो लोग लेडीज बहुत पोजेसिव होती है ना, कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हिसाब से चलो, तो उनके पति उनसे दूर दूर भागते हैं। हर एक को इंडिपेंडेंस चाहिए, तो फ्रीडम दीजिए थोड़ा और खुद भगवान में लगिए, सत्संग में लगिए और सबके हित में लगिए, तो आप उनको फ्रीडम दे पाएंगे, नहीं तो आप पति का ही मुंह ताकती रहेंगे। पति को वश करने का उपाय है, अब देखिए पति को वश करने का क्या उपाय है, बिना शर्त स्वयं उसके वश हो जाना। इतना वश में हो जाए कि वश करने की बात याद ही ना रहे, मतलब हिसाब से चले, प्रेम से चले, मिलकर चले, मिला कर चले। द्रौपदी ने आगे कहा, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रही है, मैं अहंकार, काम वासना, क्रोध आदि दुष्ट भावों से बचकर पवित्रता के साथ पांडवों की और उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती है। पांडवों की और भी शादियां हुई तो सबकी सेवा करती है, और कोई भी गलत भाव नहीं रखती, को भाव से बचकर। मेरे मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती, मैं किसी से नहीं जलती। सोचिए सोचिए, मन को सदा उनके अनुकूल रखती हूँ, पति के अनुकूल रखती हूँ मन को। वाणी से कभी अप्रिय वचन नहीं बोलती, कभी उन पर संदेह नहीं करती, कभी इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आती मुझे, कभी ऐसी दृष्टि से नहीं देखती जिससे निंदित विचार प्रकट होते हो, कभी खराब भाव नहीं रखती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, खराब चाल नहीं चलती, दुराचारनियों स्त्रियों से कभी बात नहीं करती, कैरेक्टरलेस स्त्रियों से कभी बात नहीं करती, हमेशा एज द कंपनी सो द कलर, जैसी संगत वैसी रंगत, जैस मैं दुराचारनियों स्त्रियों से कभी नहीं बैठती उनके साथ। मेरे पति सर्वगुण संपन्न है, मैं किसी अन्य के रूप, गुण, अवस्था, सजधज आदि से आकर्षित नहीं होती। उनके स्नान के बाद स्नान करती हूँ, उनके भोजन के बाद भोजन करती हूँ, उनके सो जाने पर सोती हूँ। उनकी बात तो क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा,
कितना भारी इसका सैक्रिफाइस है। उनके सो जाने की बात तो क्या, जब तक घर के दूसरे लोग या सेवक स्नान भोजन शयन नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं सोती। सब लोग जब तक भोजन शयन नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं सोती, कितना त्याग है। मेरे पति कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तब मैं आगे से उठकर उनका स्वागत करती हूँ, भीतर ले आती हूँ, आसन पर बिठाती हूँ, अपने हाथों से पानी लाकर उनके हाथ पैर मुंह धुलाती हूँ, घर और घर के सभी सामग्रियों को साफ सुथरा रखती हूँ, स्वच्छता और पवित्रता के साथ भोजन बनाकर ठीक समय पर खिलाती हूँ। पति आ गए, टीवी सीरियल ऑफ करा, अभी लाती हूँ। ये तो हालत है, अभी रुक जाओ, आ गए पति भी भोजन दे दो, भूख लगी है, अभी रुक जाओ मेरा सीरियल ख़त्म होने वाला है। ये कोई बात हुई? टीवी देखते ही क्यों हैं आप लोग? मतलब झूठ नहीं बोल रही, मैं कभी टीवी नहीं देखती, बचपन से मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भगवान में लगो, भजन करो, पढ़ो लिखो, वॉकिंग करो, इतना कुछ है जीवन में, क्यों उस इडियट बॉक्स में घुसना। भंडार में ठीक ठिकाने से अन्न रखती हूँ, उनके रुचि के अनुसार काम करती हूँ, पति की रुचि के अनुसार काम करती हूँ, आपस के विनोद के अतिरिक्त अन समय नहीं हंसती, बेकार में हंसी चिटोली नहीं करती, द्वार पर खड़ी नहीं रहती, दरवाजे और खिड़की पे नहीं खड़ी रहती, लोगों की ताक झांक नहीं करती, घर से मिले हुए बाग में भी बहुत देर नहीं ठहरती, ना मैं बहुत हंसती हूँ ना खींचती हूँ, तुनक कर कभी किसी से कड़वी बात नहीं कहती। कोई बात हो जाए तो अवसर आने पर पचा जाती। पति से अलग रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, पति के परदेश जाने पर मैं फूल माला सुगंध आदि से अपने को सजाती नहीं। मेरे पति जिस वस्तु को पसंद नहीं करते उसे मैं भी पसंद नहीं करती, उनकी बात मानती हूँ, उनका जैसा हित हो, वे जैसे प्रसन्न हो, वही मेरा व्रत है। पति ही स्त्रियों का देवता एकमात्र गति है, भला कौन पतिव्रता अपने पति का अप्रिय करना चाहे। मेरी सास ने अपने कुटुंबियों के साथ जैसा व्यवहार करना मुझे सिखाया, मैं वैसा ही करती हूँ। सब रिश्तेदार बड़े लोग जैसे मेरी सास ने सिखाया, उनके साथ मैं वैसा ही व्यवहार करती हूँ। भिक्षा देना, देव पूजा करना, श्राद्ध पर्व के दिन अच्छे भोजन बनाना, माननीय पुरुषों की पूजा और सत्कार करना तथा दूसरे और भी जो कर्तव्य मुझे ज्ञात हैं उनका दिन रात सावधानी से पालन किया करती हूँ, विनय के भाव को कभी नहीं छोड़ती, नम्रता कभी नहीं छोड़ती, नम्रता वाला कभी नहीं मरता। आर्य कुंती को मैं अपने हाथ से परोसकर भोजन कराती हूँ, उनकी सब तरह से स्वयं सेवा करती है। गुरु की कृपा से अम्मा जी की भी हम लोगों ने दोनों ने स्वयं सेवा की, आज उसी का आशीर्वाद है। जो लड़की अपनी बहू अपनी सास की सेवा कर लेती है, सास ससुर की, तो वो उन बड़े लोग हमेशा आशीर्वाद देते, उनसे भड़के ना भोजन करती हूँ ना कपड़े या गहने पहनती हूँ, कभी ऐसी बात नहीं करती जो उन्हें बुरी लगे, अपनी सास की निंदा कभी नहीं करती, कभी अपनी सास की या पतियों की निंदा उन्होंने कभी नहीं करी। पहले महाराज युधिष्ठिर के यहाँ सोने के थालों में 8,000 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन किया करते थे, सोने के थालों में 88,000 स्नातक ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया जाता था। स्नातक ब्राह्मण मतलब स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स। 10,000 सन्यासियों को भोजन दिया जाता था। मैं बलि वैश्व देव के बाद इन सबको भोजन कराती और यथायोग पूजा करती थी। बलि वैश्व एक यज्ञ होता है। घर में लाखों दास दासियाँ थीं, मुझे उनके नाम रूप खाने पहनने का हाल सब कुछ मालूम था। सब दास दासियों के बारे में भी जानती थी, किसकी क्या ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए, सब जानती थी। कब किसने क्या काम किया, किसका क्या काम बंधा हुआ है, ये सब मैं जानती थी।
लाखों, ध्यान दीजिएगा, लाखों हाथी घोड़े गाय भेड़ आदि पशुओं का, उनके चराने वालों का क्या प्रबंध है, ये भी मैं देखती रहती थी। राज की आमदनी और खर्च का कुल हिसाब मैं जानती थी, उसकी जांच पड़ताल भी करती रहती थी, फाइनेंस भी वही मैनेज करती थी। आमदनी खर्च और कुल हिसाब में जानती थी, उसकी जांच पड़ताल भी करती रहती थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी हुई थी मैं। दिन रात अधिक से अधिक परिश्रम करके इतने कामों का बोझ संभाले रहती थी कि साधारण पुरुष भी क्या संभालेगा। पांडवों का मुझ पर इतना विश्वास था कि वे बस दो ही काम करते, प्रजा की रक्षा और दान, बाकी सब मुझ पर छोड़ देते। वे दिन को दिन नहीं समझती, रात को रात नहीं समझती। मुझे अपने पतियों की सेवा करने में इतना आनंद आता कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। मैंने पतियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया, मेरे मन में उन्हें वश करने की कभी भी इच्छा नहीं हुई, उनके वश में रहना चाहती थी। वे मुझसे प्रसन्न हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसी में मैं अपने जीवन की सार्थकता समझती हूँ। अब दुर्वासा ऋषि का हम लोगों ने सबसे सुना ही है, पर बहुत अच्छे से दिया गया है, इसलिए फिर से पढ़ते हैं। एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न कर वरदान मांगा, अब धर्मात्मा युधिष्ठिर के यहाँ ऐसे समय में जाकर अतिथि हों जब द्रौपदी सबको खिलाकर स्वयं भी खाकर विश्राम कर रही हो। बोले दुर्वासा जी, ठीक वैसे ही समय पर पांडवों के अतिथि हुए। पांडवों ने विधिवत उनकी पूजा कर प्रार्थना की, ब्राह्मण आप स्नान संध्या आदि कराइए और भोजन कीजिए। दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ नदी तट पर चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को आदेश दिया, तैयारी करो। द्रौपदी बोली, आप सबके प्रसाद करने के बाद मैंने भी प्रसाद पा लिया, अब बटलोई में कुछ नहीं बचा। युधिष्ठिर ने कहा, ये तो बड़ी भूल हुई, अब व्यवस्था कैसे होगी। कुछ उपाय न देखकर युधिष्ठिर ने भीमसेन और अर्जुन से कहा, सूखी लकड़ी ले आओ, एक बड़ी चिता बनाते हैं। दुर्वासा मुनि के क्रोध अग्नि में भस्म होने से तो अच्छा है, इस अग्नि में जल जाना अच्छा है। इतने घबरा गए, चिता बना के और हम लोग सब चिता में ही जल जाते हैं। द्रौपदी ने कहा, अरे कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या, वे सर्वत्र हैं, आपने नहीं देखा कैसे कौरवों की सभा में वस्त्र अवतार लेकर मेरे शील की रक्षा की थी। आप मरने की तैयारी कर रहे हैं पर ठाकुर जी को याद नहीं कर रहे, आपको क्या कृष्ण पे भरोसा नहीं है। युधिष्ठिर के नेत्र भर आए, उन्होंने कहा, देवी हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें मिली है। तुम्हारे जैसा प्रेम हमारे हृदय में कहा, जो हमारे बुलाने से कृष्ण चले आए। हम भाग्यशाली हैं जो तुम्हारी जैसी भक्त पत्नी हमें मिली है। पांडव उसका धन्य शुक्राना मान रहे। जैसे ही द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु जी प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहाँ नहीं, उनसे क्या छिपा है। कोई सच्ची प्रार्थना करे और वे उपस्थित ना हो, यह असंभव है। प्रभु उसी समय द्वारिका में थे, भोजन का समय था, पहला ग्रास मुख में लेने वाले ही थे तभी द्रौपदी ने पुकारा। प्रकट होते ही प्रभु ने कहा, द्वारिका में सजी सजाई भोजन की थाली छोड़कर आया हूँ, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा, हमने भोजन करने को नहीं, कराने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने कहा, किसको। उन्होंने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को। बोले, अरे कृष्णा मैं भूखा हूँ, मुझे तो पहले कुछ खिला। सखा आज तो घर में कुछ नहीं है, वो सखी हैं ये सखा हैं। अरे तेरे घर में तो तीनों लोगों की संपत्ति है, तीनों लोगों का भंडार भरा हुआ है तेरे घर में थे। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो बटलोई माँच कर रख दी। ला तो सही,
बटलोई लाई गई। ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथों में लिया और ध्यान से देखा, एक तरफ एक चावल का दाना चिपका था। दाना कहाँ से आया? स्वयं संकल्प भगवान ने अपने संकल्प से उसमें दाना प्रकट कर दिया। हमारे गुरु भगवान कहते हैं वो स्वयं चावल का दाना बन गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्वासा मुनि का तो गले तक पेट भर गया, डकारे लेने लगे। शिष्यों की हालत ऐसी हो गई कि अन्न की डकारे आने लगी। सब बोले, गुरुवर अकस्मात तो हमारा पेट कैसे भर गया? दुर्वासा, ये भक्तवत्सल भगवान की ही कोई लीला है। मैं आज तक अम्बरीश का वो नहीं भूला कि कैसे मुझे एक साल तक घूमना पड़ा था सब लोगों में, और मैं आज तक अम्बरीश का प्रभाव नहीं भूला। और ये तो पांचों की पांचों कृष्ण भक्त हैं, भैया चलो यहाँ से भाग चले। इधर भगवान ने दुर्वासा मुनि के लेने सहदेव को भेजा। घाट पर तपस्वियों ने बताया कि सब लोग भाग चुके हैं। सहदेव लौटे तो श्री कृष्ण ने सारी बात बताई और कहा, अब इसमें एक और बात आती है कि दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम्हारे घर कौन आया हुआ है? पूछा तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण आए। बोले और तो कोई ऐसी युक्ति कर नहीं सकता। तो वो गए दुर्वासा ऋषि उनके घर और उनको सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा मेरी 18 महीने तक दुर्योधन ने सेवा करी, पर उसको मैं उसका कोई पुण्य नहीं देता, और तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं खिलाया, तो सारा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। कुभाव से सेवा करने वाले को कुछ नहीं मिलता, और सद्भाव से, देखिए भाव की कितनी प्रधानता है। तो गुरु कहते हैं अपनी भाव की रक्षा करो। पांडवों ने भगवान की स्तुति करी। इस प्रकार भगवान को याद कर द्रौपदी ने एक बार फिर पांडवों को विपत्ति से बचाया। पत्नी हो तो द्रौपदी जैसी। अज्ञातवास में द्रौपदी पर कुदृष्टि रखने वाले कीचक का वध। ये थोड़ा सा वैसा प्रसंग है, थोड़ा पिक्चर्स टाइप, तो ज़रा ध्यान, वैसे मतलब इसमें पूरी विलेन और वो सब है इसमें, तो वॉयलेंस विलेन सब है। तो चलिए आइए सुनते हैं जैसा द्रौपदी के जीवन में घटा। वनवास के 12 वर्षों में अब केवल एक दिन ही अवशेष था। कल से सबको अज्ञातवास करना था। युधिष्ठिर की चिंता का पार ना था। सोच रहे थे हम लोग विराट नगर में रहकर अपने को छिपा सकते हैं, परंतु द्रौपदी अपने को कैसे छिपाएगी? द्रौपदी ने कहा, राजन आप मेरी चिंता ना करें, देखिए बहुत कुशल है। बड़े लोगों के घर में अच्छे अच्छे वंश की ऐसी स्त्रियां रहती हैं जो रनिवास में श्रृंगार का काम करती हैं, उन्हें सौरेंद्री कहते हैं। मैं अपने को वहाँ सौरेंद्री के रूप में ही प्रकट करूँगी। कह दूंगी कि पहले मैं महाराजा युधिष्ठिर के रनिवास में काम कर चुकी हूँ और लोगों का श्रृंगार करने में बड़ी निपुण हूँ। उसने वो ब्यूटिशन का कोर्स कर रखा है। साथ ही ये भी कहूँगी कि मेरे जीवन के कुछ नियम हैं, उनका उल्लंघन मैं नहीं करती। महारानी सुदेशना बहुत अच्छे स्वभाव की है, वे मेरी रक्षा करें। संसार में सभी महापुरुष जीवन में नियम का आदर करते हैं, स्वयं को अपने बनाए नियमों को से नियंत्रित रखते हैं। जो हमने अपने लिए नियम बनाए हैं उससे अपने को नियंत्रित रखना चाहिए, उससे हमारा मन वश होता है और हमारा जीवन भी महान बनता है। युधिष्ठिर ने स्वीकृति देते हुए द्रौपदी से कहा, वहाँ बड़ी सावधानी से रहना, कोई तुम्हें पहचान न सके। क्रमशः पांडव तथा विराट के दरबार में गए और उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार पांचों को अपने पास रख लिया। अब पांचों पांडव उनके राजा विराट के दरबार में सब फिट हो गए। इधर द्रौपदी अकेली रानी सुदेशना के पास पहुंची। रानी सुदेशना ने पूछा, कल्याणी तुम कौन हो? द्रौपदी ने कहा, मैं सौरेंद्री हूँ, पहले महाराज युधिष्ठिर के रनिवास में रहती थी, उनके राज त्याग के कारण आश्रयहीन हो गई। आप मुझे आश्रय देने की कृपा करें,
मैं खूब मन लगा कर काम करूँगी। देखिए कहाँ महारानी और कहाँ कैसा काम कर रही है और हर काम करने को तैयार, कितनी बड़ी बात है। रानी ने कहा, सुंदरी तुम्हारे मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती, तुम तो बहुत सी दासियों की स्वामिनी लगती हो, तुम्हारे चेहरे पे आत्मसम्मान की झलक है, मैं तो तुम्हें देव कन्या समझ रही हूँ, सच सच बताओ तुम कौन हो। द्रौपदी ने कहा, रानी जी मैं देवी नहीं हूँ, मैं पांडवों की रनवास में रह चुकी हूँ, मैं कृष्ण की पत्नी सतभामा की यहाँ भी सेवा कर चुकी हूँ, बाल संवारना, उपटन लगाना, फूलों के गजरे बनाना मैं जानती हूँ, मैं बड़े सुख से रही हूँ, इसलिए मेरे शरीर दासियों का सन नहीं जान पड़ता। रानी सुदेशना ने कहा, मैं बड़ी प्रसन्नता से रख सकती हूँ, किंतु एक डर है, तुम्हारा सौंदर्य देख के कहीं मेरे पति का ही मन तुम पर आ गया तो मैं क्या करूँगी, राजा का ही मन आ गया तो। द्रौपदी ने कहा, रानी जी राजा विराट अथवा संसार का कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि पांच पांच नौजवान गंधर्व मेरे स्वामी हैं, वे गुप्त रूप से सर्वथा मेरी रक्षा करते हैं, वे बड़े बली हैं, मुझ पर किसी की आंख लगते ही वे जान जाते हैं और उसको नष्ट कर डालते हैं। पांच पतियों पांच गंधर्व बता दिया, वे कितने होशियार हैं। मैं किसी की झूठन नहीं छूती, किसी के पैर नहीं धोती, इससे वे प्रसन्न रहते हैं। जो ये काम मुझसे करवाना चाहता है उस पर मैं नाराज हो जाते हैं, कोई पुरुष मेरा धर्म बिगाड़ नहीं सकता। सुदेशना ने द्रौपदी की बात मान ली और उसे अपने पास रख लिया। राजा विराट का कीचक नाम का साला वहां का सेनापति था, उसके विचार बड़े ही कलुषित थे। द्रौपदी पे दृष्टि पड़ते ही वह मोहित हो गया और तरह तरह से द्रौपदी को प्रलोभन देने लगा। द्रौपदी ने कहा, भाई मैं हीन वंश की सौरंद्री हूँ, लोग मुझसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, मुझसे ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता, जान पूछ कर नरक की धधकती आग में क्यों कूदना चाहते हो। द्रौपदी की बात सुनी अनसुनी कर दी कीचक ने। एक दिन कीचक की सलाह से किसी काम के बहाने सुदेशना ने द्रौपदी को उसके घर भेज दिया। द्रौपदी दासी थी, रानी की आज्ञा पालन करने के लिए उसे जाना ही पड़ा। वहाँ जाने पर कीचक ने द्रौपदी को पकड़ना चाहा, द्रौपदी राजसभा की ओर भागी, कीचक ने उसका पीछा किया। राजसभा में आते आते द्रौपदी के बाल पकड़ के उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और एक लात मारी। उस समय भीमसेन और युधिष्ठिर दोनों ही सभा में मौजूद थे, दोनों क्रोध से अधीर हो उठे। युधिष्ठिर ने भीमसेन को सावधान करा और धैर्य धारण करने को कहा। द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, महाराज मैं इन महापुरुषों की स्त्री हूँ जिनके वैरी संसार में सुख की नींद नहीं सो सकते, आप कीचक को दंड दीजिए, आप चुपचाप सब देख रहे हैं, ये तो राजा का धर्म नहीं है। द्रौपदी के कहने पर राजा ने कीचक को दंड नहीं दिया, वे कीचक से डरते थे क्योंकि वह सेनापति था। युधिष्ठिर ने कहा, सौरंद्री तुम रानी सुदेशना के पास जाओ, यहाँ मत रहो, तुम्हारे स्वामी गंधर्व समय आने पर अपना काम करेंगे। द्रौपदी की आंखें लाल हो रही थी, बाल बिखरे हुए से। सुदेशना ने उसे बहुत समझाया, कहा कहो तो कीचक को प्राणदंड दिलवा दें। द्रौपदी ने कहा, मेरे स्वामी गंधर्व उसे दंड देंगे, अब वो बच नहीं सकता। कीचक के किए हुए अपमान से द्रौपदी का करेजा जल रहा था। रात को सबके सो जाने पर छिप कर भीमसेन के पास गई और रोते हुए कहा, स्वामी अब पापी कीचक जीवित है और यहाँ आप सुख की नींद सो रहे हैं, उठिए मुर्दे की तरह मत सोइए। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया, कल संध्या के समय तुम कीचक को नटचाला में बुला लेना, उसे मैं वहीं मार डालूंगा, सावधान कीचक से मिलने और वादा करते समय तुम्हें कोई देख ना ले। द्रौपदी के मन में पापियों के प्रति घृणा थी, वह चाहती थी कि संसार में पापियों का अस्तित्व मिट जाए, इसके लिए वह प्राणदंड से चेष्टा करती। द्रौपदी ने कीचक को रात के समय नटशाला में आने के लिए कह दिया। भीमसेन पहले ही उस स्थान पर जाकर स्त्री वेश में छिप गए थे। समय पर कीचक आया, भीमसेन ने उसके ऊपर उछल पड़े और उसे कुचल डाला, किसी को पता तक नहीं चला।
रात के अंधकार में भीमसेन कहाँ गायब हो गए। अगले दिन प्रातःकाल कीचक की मृत्यु का समाचार उसके भाई बंधुओं को मिला। कीचक की दशा देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। कीचक के शव को शमशान ले जाने के लिए सजा ही रहे थे कि उनकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ गई। उन्होंने कहा, इसी पापिन के कारण कीचक की मृत्यु हुई है, इसे अभी मार डालना चाहिए। किसी ने कहा, नहीं नहीं, इसे बांधकर शमशान ही ले चलो, कीचक के शव के साथ ही जला डालो। अब देखिए क्या क्या हालत फेस करनी पड़ रही है उसको। वे सब द्रौपदी को कीचक की लाश के साथ बांध दिया। द्रौपदी अनाथ की भांति चिल्लाने लगी, जय जयंत, विजय, जयत्सिन, जयद्वल, मेरे पांचों स्वामियों, मेरी पुकार पर ध्यान दो, ये उपकीचक मुझे जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। भीमसेन के कानों में आवाज पहुंची, उन्होंने बड़ी कर्कश ध्वनि से उत्तर दिया, डरो मत, गंधर्व ने तुम्हारी आवाज सुन ली है। द्रौपदी को कुछ धैर्य हुआ, चटपट वेश बदलकर चार दीवारी लांघकर भीमसेन शमशान की ओर बढ़े। एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ कर बड़ी वेग से उपकीचकों की ओर दौड़े और उसी वृक्ष को सबको मार डाला। रातों रात नगर खबर सब जगह फैल गई। विराट ने रानी से कहा, प्रिय, सौरेंद्री के आते ही तुम उससे कह देना तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जा सकती हो, हम तुम्हारा बिरा नहीं चाहते। पर गंधर्व का पराक्रम देखकर हम भयभीत हो गए। सुदेशना ने द्रौपदी को जाने की आज्ञा सुना दी। सुदेशना ने विनम्र भाव से प्रार्थना करी, रानी जी आप कृपा करके केवल 13 दिन और अपने पास रहने दें। 13 दिन के बाद मेरे स्वामी गंधर्व का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा और वे आपका हित करेंगे। 13 दिन रह गए केवल अज्ञातवास के। सुदेशना ने द्रौपदी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इधर कीचक के वध के बारे में जैसे ही कौरवों को मालूम हुआ, उन्हें शंका हुई कि हो ना हो पांडव वहीं छिपे हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर, कृपाचार्य के मना करने पर भी कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। राजा विराट ने युधिष्ठिर की सलाह से उस युद्ध में भीमसेन को आगे कर दिया। साथ ही द्रौपदी की सलाह से ब्रेनल्ला बने अर्जुन को, अर्जुन हिजड़े बने हुए थे ना वहाँ, राजकुमार उत्तर के सारथी बन गए। भीमसेन और अर्जुन दोनों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। अज्ञातवास का 1 वर्ष बीत चुका था, इसलिए पांचों पांडव और द्रौपदी ने अपने को वास्तविक रूप में राजा विराट के सामने प्रकट कर दिया। उनके 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूर्ण हुआ। विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया। अब ये सब कथा तो हम सब लोगों ने सुनी हुई है। भीष्म पितामह से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना। कुछ समय बाद हम सब जानते हैं महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में जो दुर्योधन था वो एक बार भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा उकसाता है और कहता है कि आप तो पांडवों की साइड ही हैं, शरीर से आप मेरे साथ लड़ रहे हैं पर मन से आप उन्हीं की साइड है, आप उन्हें मारते ही नहीं हैं। काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह किया और उसने कहा, कल तक आप एक पांडव को जरूर, मतलब एक की मृत्यु जरूर हो जानी चाहिए, अब वो भी किसकी, अर्जुन की। अब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कि पांचों पांडवों में से एक की मृत्यु कल जरूर होगी। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो हम सब लोग जानते ही हैं। अब भगवान कृष्ण जो हैं वो थोड़े परेशान से घूम रहे थे, अर्जुन के शिविर में गए तो वो तो आराम से सो रहा था, खर्राटे भर रहा था। तो उन्होंने उसे जगाया और कहा कि तुम्हें भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पता नहीं है? बोला, पता है। तो बोले, तुम्हें डर नहीं लग रहा, चिंता नहीं हो रही? बोले, आप हैं तो मुझे चिंता कैसी। तो विश्वास से बलवान तो पल में खड़े हैं भगवान, तो विश्वास बलवान होना चाहिए तो हमें चिंता नहीं होगी, हमारा विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने द्रौपदी के शिविर में गए और उससे कहा कि चलो मेरे साथ। सुबह सभी करीब 3:30-4 बजे आए और उन्होंने उससे कहा, लंबा घूंघट काट लो और
उसके वो दुश्मनों के शिविर की ओर जाने लगे, पर वो पीछे पीछे चल रही थी। जब भीष्म पितामह का शिविर आया तो उन्होंने उससे कहा, लंबा घूंघट काट लो और अपनी चप्पल जो है, अपनी अपनी चरण पादुका जो है मुझे दे दो। और देखिए, जिन भगवान के चरणों के हम चरणों के दर्शन भी नहीं कर सकते, उन भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका अपने बगल में दबा ली। कितने भक्तवत्सल, कितने प्रेमी। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ भीष्म पितामह के शिविर में जाओ और उनके चरण पकड़ना, वो इस समय ध्यान कर रहे होंगे। और इस समय दुर्योधन की पत्नी आती है रोज़ उनके चरण छूने, और अपने अपना घूंघट बिल्कुल मत खोलना। वो गई चुपचाप धीरे से और उनके चरण छुए। उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। जैसे उन्होंने सौभाग्यवती भव कहा तो द्रौपदी भगवान कृष्ण की चाल समझ गई और उसने अपना घूंघट उघाड़ दिया। जैसे ही घूंघट उघाड़ा तो भीष्म पितामह अवाक रह गए। बोले, अरे द्रौपदी, तुम कैसे आ गई यहाँ? तो उन्होंने कहा, अच्छा, जरूर कृष्ण की चाल होगी, ये निश्चित कृष्ण की चाल होगी। तो बोले, कृष्ण कहाँ है? बोले, बाहर है। भीष्म पितामह ने कहा, जा बेटी, निश्चिंत रह, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का क्या बाल बाका हो, पतियों का क्या बाल बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। द्रौपदी प्रसन्नचित भार आई, अब जाकर श्री कृष्ण ने चैन की सांस ली। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। अश्वत्थामा पर दया। भगवती द्रौपदी के महान कारुणिक हृदय की विशालता, धार्मिकता, न्यायप्रियता और ब्राह्मण निष्ठा का एक साथ दर्शन कराने वाला यह प्रसंग बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। आतताय अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में सोए हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार डाला। पुत्र वत्सला द्रौपदी के दुख का पारावार न रहा। सोच के देखिए, किसी माँ के पांचों पुत्रों को कोई मार दे। पांडवों को रोष आ जाता है। अर्जुन तुरंत भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए जाते हैं। अश्वत्थामा को पराजित करके बांध कर द्रौपदी के सामने लाते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, बताओ उसको क्या दंड देना है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांधकर लाया जाना द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। सोचिए सोचिए सोचिए, उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उसका कैरेक्टर देखिए, उसका चरित्र देखिए। जिस किसी के माँ के पांच बच्चों को मार दिया गया हो, हत्यारा सामने खड़ा हो, माँ क्रोध से पागल हो जाएगी। धन देने के लिए आदेश कर सकती है, पर धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, छोड़ दो छोड़ दो, ये तो गुरु पुत्र है, दूसरे ब्राह्मण है, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ धनुर्विद्या और समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे आपके गुरु आचार्य द्रोण के पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी माता अपने पुत्रों की ममता से ही अपना शरीर धारण किए हुए है। आज अपने बच्चों के दुख में एक माँ अत्यंत दुखी है। उनको मार दोगे तो दूसरी माँ दुखी हो जाएगी, अपने दुख को छोटा समझ रही है। कहनी एक माँ और दुखी हो जाएगी, दुख बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। जो श्रृंखल राजा ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वे शीघ्र ही उनके कोप से भस्म हो जाता है, इसलिए इसे छोड़ दो। ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। कैसा आदर्श वचन है महाभागवती द्रौपदी के। ऐसे क्षमा कौन दे सकता है? केवल कृष्ण भक्त। द्रौपदी क्षमाशील है। जहां दंड देना चाहिए वहां दंड भी देती है। फलते मनी छीनकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अब ये प्रसंग
अंतिम समय का है जब भीष्म पितामह वाणों की शैया पर लेटे हुए। एक दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से द्रौपदी के साथ सभी लोग भीष्म पितामह के पास गए। वहाँ उन्होंने भीष्म पितामह के मुँह से नाना प्रकार के उपदेश सुने। शुरू से अंत तक द्रौपदी वहाँ उपस्थित थी। एक दिन उपदेश सुनते हुए द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह से वे छिपी न रही। उन्होंने द्रौपदी से कहा, बेटी मैं जानता हूँ तुम बड़ी साध्वी सदाचार परायण और मर्यादा में स्थित हो, तुम्हें अकारण हंसी नहीं आ सकती। इस समय तुम्हारे हंसने का क्या कारण? द्रौपदी ने कहा, दादाजी मेरा मन दूसरी जगह चला गया था। मैं सोचने लगी थी कि जब मेरा चीरहरण हो रहा था मैं बार बार प्रश्न पूछ रही थी, क्या मैं दुर्योधन की दासी हो गई? तब आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तब आप क्यों नहीं बोले? तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था तो मेरी बुद्धि कलुषित हो गई थी, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। अब बाणों की शैया पे लेटने से मेरा सब दूषित रक्त निकल गया है और मैं ठीक ठीक जवाब दे पा रहा हूँ। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो हमें सोच समझकर किसी के घर प्रसाद पाना चाहिए कि इसका अन्न कैसा है, बेमानी का तो नहीं है, गलत तो नहीं है, सोच समझकर खाना चाहिए। अब ये प्रसंग है बर्बरी के वचन। बर्बरी कौन थे आप लोग जानते हैं? कम लोग जानते हो, खाटू श्याम तो हैं, पर भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी। तो बर्बरी की क्या कहानी है? एक बार भीमसेन ने अभिमान हो गया कि युद्ध मैंने अपने बल से जीता है। अर्जुन ने कहा कि आप श्री कृष्ण को भूलकर ही ऐसी अनुचित बात कह रहे हैं। भीमसेन ने अर्जुन से कहा, पर्वत शिखर पर बर्बरी के मस्तक का ने सारा युद्ध देखा है, उसी से चलकर पूछते हैं। भीमसेन ने घटोत्कच के पुत्र बर्बरी से पूछा, बेटा बताओ इस युद्ध में तुमने क्या देखा? भीमसेन ने जीता युद्ध, अर्जुन ने जीता, पांचों पांडवों ने जीता, किसने युद्ध जीता? देखिए ध्यान दीजिएगा, किसने युद्ध जीता? तो बर्बरीक ने क्या कहा? बर्बरीक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष वासुदेव कृष्ण को ही लड़ते देखा। उनका सुदर्शन चक्र शत्रुओं को यूं काटता चीरता चल रहा था जैसे प्रकाश अंधकार को, ज्ञान अज्ञान को चीरता है। मैंने ये भी देखा कि माता द्रौपदी शत्रुओं का रक्त पी रही है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ध्यान से देखा तो पता लगा माता द्रौपदी नहीं, ये तो संसार की अनगिनत नारियां हैं जिन्होंने मानव जाति को दूध पिलाकर पाला, परंतु मानव जाति ने उनका तिरस्कार किया, अपमान किया, इनका चीरहरण हुआ। होता है ना, गलत गलत काम होते स्त्रियों के साथ, इनकी चीख पुकार को बड़ी बेरहमी से अनसुना किया गया। वो नारियां जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी थी, लेकिन जिन्हें केवल भोग विलास की सामग्री समझा गया। मुझे लगा मानव जाति को दूध पिलाकर पालने वाली नारी के अपमान का यही दंड है। उसका ऐसा कहते ही देवताओं की धुंधली बज उठी और पुष्पों की वर्षा होने लगी। अश्वमेध यज्ञ, इसकी बर्बरी की एक कथा और है कि वे कहा कि कितने दिन युद्ध चल सकता था, किसी ने कहा कि 10 दिन 15 दिन, तो इसने बर्बरीक ने कहा मैं एक दिन में युद्ध खत्म कर सकता था। भगवान ने कहा कैसे? बोला मेरे को 3 बाण है मेरे पास, और इसने कामक्या देवी की उपासना करी थी और उन्होंने उसको 3 बाण दिए थे। तो भगवान ने कहा अच्छा ये इमली का पेड़ है, इसके पत्तों पे निशाना लगा के दिखाओ। तो उसने एक तीर से सब पे मार्क लगा दिया, दूसरा तीर से भेदा और तीसरे तीर से सब पत्ते तोड़ दिए। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, तो वो
जहाँ जो पत्ता अपने पैर के नीचे छुपाया था वहाँ बाढ़ आकर रुक गया। तो ये पर भगवान ने उसको कहा कि तुम जो हो, तुम्हें ये वरदान मिला हुआ है अपने गुरु से कि तुम जो वीक साइड होगी उस साइड लड़ोगे। तुम पहले तो पांडवों के पास लड़ोगे, फिर जब कौरव हारने लगेंगे तुम कौरवों की साइड चले जाओगे, फिर जब कौरवों की साइड जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे, तुम पांडवों की साइड चले जाओगे, तो इससे क्या होगा, दोनों सेनाओं में कोई नहीं बचेगा। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान लिया, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा तुम अपना सिर काट के दे दो, तो उसने अपना सिर काट के दे दिया। तो भगवान उसने कहा पर मैं तो महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारा उसका सिर रख दिया पहाड़ पर, कहा तुम इसे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो, तो वही खाटू श्याम, वही बर्बरी की खाटू श्याम। अश्वमेध यज्ञ, भीष्म पितामह की मृत्यु के अनंतर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ महायज्ञ किया, उसमें द्रौपदी का प्रधान हाथ था। छोटे छोटे से कामों को भी वे अपनी दृष्टि के सामने रखती थी। कोई कठिन समस्या उपस्थित होने पर स्वयं श्री कृष्ण को याद करती और पांडवों को भी उन्हें याद करने को कहती। द्रौपदी के स्मरण करते ही श्री कृष्ण आ जाते और समस्या का हल कर देते। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत दिनों तक पृथ्वी पर राज किया, बड़े बड़े यज्ञ दान व्रत आदि करते, प्रजा सुखी थी, न आदि थे न व्याधि थी, लोगों को सतयुग सा प्रतीत होता था। फिर वो समय आया जब भगवान श्री कृष्ण ने लीला संवरण की। अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन की बात सुनकर कुंती ने अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और उन्होंने अपनी इंद्रियों को और मन को समेट के भगवान में लगा दिया और शरीर का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने कहीं नहीं देखा और स्वर्गारोहण किया और पांचों पांडवों ने भी अपना मन समेट कर भगवान में लगा दिया और शरीर का त्याग कर दिया। द्रौपदी ने देखा पांडव निरपेक्ष हो गए, तब वह भी अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गए। अब ये हमारा, हम पूरे द्रौपदी के चरित्र को समाप्त कर रहे हैं। संसार के इतिहास में जितनी सती साध्वी भगवत भक्त देवियाँ हुई हैं उनमें द्रौपदी का प्रधान स्थान है। द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी, स्वर्ग की लक्ष्मी समझ लीजिए या उनकी अंशभूता थी, श्री राधा की अंशभूत भगवान की विशेष शक्ति थी। वे धर्मद्रोहियों के नाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से अवतीर्ण हुई। सती द्रौपदी के स्मरण से उनके जैसा भगवान के प्रति अविचल विश्वास हमारे हृदय में भी आए। मेन क्या सीखने की बात है, गुरु कहते हैं मैं जीवन में सब कुछ कर लिया पर भगवान को याद नहीं करा, भगवान से संबंध नहीं बनाया और अंत समय में भगवान नहीं याद आए तो जीवन की बाजी हार गए। उसके से जीवन से क्या सीखने ज़रूरी है, उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका अटूट भगवान से संबंध। हम भी उन्हीं की भांति भगवान से प्रेम करें, ऐसा गुरु भगवान से हमारी प्रार्थना है। द्रौपदी का चरित्र आधुनिक युग की नारी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आज के समय में हम कैसे सर्वाइव करना है ये हम उससे सीखते हैं। क्या क्या सीखने को मिलता है द्रौपदी के चरित्र से, द्रौपदी जो है वो भक्त है, वीरांगना है और भगवान से हमेशा कनेक्टेड है, व्यवहार और परमार्थ दोनों में कुशल है, व्यवहार में भी परमार्थ में भी और भगवान से उसका संबंध बना है। ऐसे नहीं कि केवल विपत्ति के समय भगवान को याद करती है, वह जब सब कुछ ठीक बढ़िया होता है, संपत्ति होती है तब भी भगवान को याद करती है, स्वयं ही नहीं अपने पतियों को भी भगवान की याद दिलाती है और उसने अपने पतियों को हर विपत्ति से बचाया। साथ ही द्रौपदी व्यवहार कुशल है, ज्ञान उसके जीवन में उतरा हुआ है, किस समय किससे कैसे बोलना है ये खूब समझती है, जहाँ मौन रहना है वह मौन रहती, निर्भय है साथ में विनम्र भी है, ये मेन चीज़ है। हम निर्भय होते हैं तो बदतमीज हो जाते हैं, तो निर्भय भी है विनम्र भी है, सबका सम्मान करती है, गुरुजनों का आदर करती है,
पर अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने में पीछे नहीं हटती। जब जुए में युधिष्ठिर उनको हार गए तब उन्होंने निर्भीकता पूर्वक गुरुजनों से प्रश्न किया। द्रौपदी ऑलराउंडर है, मेंटली डायमेंशनल है। ध्यान दीजिएगा, आजकल की लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, पाक कला में निपुण है, घर गृहस्थी के सब कार्यों में कुशल है, साथ ही राजनीति पॉलिटिक्स कूटनीति डिप्लोमेसी और फाइनेंस को भी पूरा समझती। द्रौपदी में ससुख वासना नहीं, दूसरों को सुख देने के लिए धर्म पालन के लिए बड़े से बड़े सुख का त्याग कर देती। स्वसुख त्याग बिना सेवा नहीं हो सकती। द्रौपदी मूर्तिमान शक्ति है, उसमें अद्भुत तेज है, ओज है, वे बहुत स्ट्रांग है। अगर फितरत हमारी सहन करने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की भी ना होती। अगर सहन नहीं करेंगे तो कुछ कह भी नहीं पाएंगे। द्रौपदी में अपार सहनशीलता है और दया है, पर पीड़ा समझती है। 5 पुत्रों के मारे जाने पर भी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती। द्रौपदी की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तेज है, वे विरोधियों की एक एक चाल समझती है। द्रौपदी के मन में विचारों का झंझावात यानी थॉट परेड नहीं है, इसलिए अपने प्रत्येक पति के मन की बात जान लेती है और उनके मन के अनुरूप चलती है। हमको अपने मन का ही नहीं पता तो दूसरे के मन को क्या समझेंगे, हमें अपने ही मन का नहीं पता। यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी का पूरा जीवन ही यज्ञार्थ है। मोह के कारण कर्तव्य कर्म का त्याग तामस त्याग है। धर्म भक्ति ज्ञान के नाम पर कर्म का त्याग मोह दर्शाता है। द्रौपदी इसको गलत मानती है। जब सब काम किया, गुरु कह रहे हैं, गुरु भगवान कह रहे हैं ना, आलसी मत बनो। अभी हमारे पास कुछ वो हैं शेर और शायरी। सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती, सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती, यह तो वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। नारी का अपमान करके सुख तुम कैसे पाते हो, जिस नारी ने जन्म दिया उसे ही तुम लजाते हो। जब जिस युग में नारी का अपमान होगा ये समझ लो उस कुल का निश्चित नाश होगा। जिस कुल में नारी का अपमान होगा ये समझ लो उस कुल का निश्चित ही नाश होगा। द्रौपदी यज्ञ से जन्मी, वे सती नारी है, वो सर्वसमर्थ कहलाई। द्रौपदी यज्ञ से जन्मी, वो सती नारी है, वो सर्वसमर्थ कहलाई। उसका क्या अपमान करोगी जिसकी लाज स्वयं नारायण ने बचाई। तो गुरु भगवान के बहुत शुक्राने हैं, उनकी कृपा से ही द्रौपदी चरित हो पाया। और आप सब लोगों ने प्रेम से सुना, आपके भी शुक्राने हैं। और जो कुछ हमने उससे सीखा वो हम उसको धारण करें और हमेशा याद रखें कि पुरुष में ही पावर नहीं होती, फेमिनिन पावर इज़ स्ट्रॉन्गर देन मैस्कुलिन पावर। एक स्त्री में ज़्यादा शक्ति होती है, वो बेटर ऑर्गेनाइज़र होती है, वो बेटर लोगों को डील कर सकती है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है इमोशनली। पुरुष घबरा जाएगा, बाहर से दिखाएगा मैं स्ट्रांग हूँ, घबरा जाएगा, पर स्त्री सब कुछ फेस कर लेती है। बस उसमें एक कमज़ोरी होती है, मुंह। तो फेमिनिन पावर इज स्ट्रांगर देन मैस्कुलिन पावर। वो बेटर ऑर्गेनाइज़र भी होती है, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज भी कर लेती है। तो इसलिए ये मत समझिए कि जैसे माताएँ क्या करती हैं, लड़कों को तो दूध पिलाती हैं, लड़कियों को उतना प्यार प्रेम नहीं करती। पर आजकल तो ज़माना बदल गया है, पर गुरु कहते हैं इस सब के साथ लाड़ के साथ काम भी कराइए। देखिए वो कैसे माइंड मल्टी डायमेंशन है, कितनी समझदार है। तो स्त्रियों को बहुओं को कम मत समझिए, उनको प्रेम दीजिए और सब काम भी सिखाइए। तो जो गुरु भगवान हमें बता रहे हैं वो उसी का हमने एक एग्जाम्पल द्रौपदी के चरित्र में लिया। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।